तो फाइनली जो है आप सभी किसानों का इंतजार जो है खत्म होने वाला है। जी आप सभी किसानों के लिए इस वक्त की काफी बड़ी अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, सबसे महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। जी आप सभी को जो है धान के अंतर की राशि जो है मिलने वाला है। जी आप सभी किसानों को धान के जो अंतर की राशि है, धान बोनस का जो चौथी किस्त की राशि है, वो आप सभी को मिलने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जो है देखने को मिल पाती है। जी हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी अपडेट्स होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएं पत्र, आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो निकाले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों को देखने को मिल पाता है। और महतारी वंदन योजना, आपको पता ही होगा कि महतारी वंदन योजना के तहत जो है 6 किस्त की राशि, छठवी किस्त की राशि जो है मिल चुका है। तो 26 अगस्त को आप सभी किसानों के लिए जो है सबसे बड़ी सौगात, आप सभी किसानों के लिए 26 अगस्त को जो है बहुत ही बड़ी घोषणा जो है आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को फिर धान बोनस का चौथी किस्त की राशि आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में फिर रिलीज कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो, बीजेपी सरकार आप सभी की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट्स, जितने भी घोषणाएं पत्र निकाले जाते हैं, वो आप सभी के लिए ही निकाले जाते हैं। आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ हो पाएगा। जी हाँ, जितने भी किसान हैं जिनके बैंकों में काफी ज्यादा कर्जा है, जितने भी किसान हैं जिनके बैंकों में काफी ज्यादा लोन है, तो उनमें से हर एक किसान जो है बैंकों के कर्जे की वजह से, उनमें से हर एक किसान जो है बैंकों के लोन की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, काफी ज्यादा परेशानी जो है फेस करते हैं। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, अब आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी परेशानी फेस करना नहीं पड़ेगा, और आप सभी किसानों का, बैंकों का जो है कर्जा माफ हो पाएगा। जी हाँ, 26 अगस्त आप सभी के लिए सबसे बड़ी घोषणा, और आप सभी किसानों के लिए काफी बड़ी अपडेट है। धान बोनस का जो चौथी किस्त की राशि है, धान बोनस का जो फोर्थ किस्त की राशि है, धान बोनस का जो चौथी किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, धान बोनस का जो चौथी किस्त के जो बोनस की राशि है, वो भी आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में मिल पाएगा, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिल पाता है। सो देखो, मेहनत करना आपका काम है, कोशिश करना आपका काम है, बाकी कामयाबी मिलता है या नहीं मिलता वो अलग बात है। और आने वाले टाइम में आप सभी के लिए 33,000 नए शिक्षकों की भर्ती भी निकल कर आने वाला है। जी हाँ, आप लोगों से विष्णु देसाई सरकार के द्वारा जो वादे किया गया था कि 1 लाख जो है भर्ती होगी, 1 लाख जो है भर्ती है आप सभी के लिए, जो है जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, उन सभी के लिए भी सबसे बड़ी सौगात होने वाली है। करीब 1 लाख नए भर्ती, 1 लाख करीब नए वैकेंसीज भी आप सभी के लिए निकल कर आने वाले हैं। और ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, और ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल पाएगा। सो थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, आपको पता ही है कि बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणाएं पत्र होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल पाएगा। सो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन आप सभी के ड्रीम्स को, आप सभी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है काम किए जाते हैं। तो इंतजार आपको करना पड़ता है, मेहनत आपको करना पड़ता है, पेशेंस आपको जो है रखना पड़ता है, सब्र जो है रखना पड़ता है। जितना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा, सब्र होगा, हार्डवर्क करने की कैपेबिलिटी होगा, हार्डवर्क करने की क्षमता होगा, उतने ही ज्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, फिर उतने ही ज्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा। तो 1 लाख नई भर्ती जो है निकल कर आने वाली है, जिसमें 33,000 शिक्षकों की भर्ती जो है निकल कर आएगा, और ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, 33,000 जो टीचर्स भर्ती होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण भर्ती हो जाते हैं। तो टीचर्स बनने के लिए सबसे मेन क्वालिफिकेशन, जो रिक्वायरमेंट, जो योग्यता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन। जी हाँ, सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका जो है स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो बीएड कोर्स होता है, जो 2 साल का आपका जो है बीएड कोर्स आपका जो है होना चाहिए,
या फिर आपने बीएड अगर नहीं किया है तो आपका जो है डीएलएड होना चाहिए, बीएड या फिर आपका जो है डीएलएड होना चाहिए, या फिर आपका जो है टेट एग्जाम जो है क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें फुलफिल हो चुका है, ये सभी चीज़ें हो चुका है, तो आप जो है डेफिनेटली जो है आपका जो है टीचर भर्ती परीक्षा के लिए आप जो है फिर एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन जब तक जो है सीजी टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं करोगे, आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम्स दिलाने के लिए नहीं बैठ सकते, आप जो है अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, सीजी टेट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 150 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो 150 में से कम जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम में जो है 150 में से जो है 90 नंबर लाना है, यानी 60% मार्क्स लाना है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, तो ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में जो है 75 नंबर लाना है। इतने मार्क्स लाने पर ही आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे, आप जो है अपियर हो पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे। वरना आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिशन्स किस लेवल का है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप कोशिशें नहीं करोगे, अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे, तो बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिशन में बहुत से स्टूडेंट है, हर कोई चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो पाए, हर कोई चाहता है कि मेरा जॉब लग जाए, हर कोई चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हर कोई चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन सभी को तो नहीं मिलता। गवर्नमेंट जॉब जो है सरकारी नौकरी उन्हीं को मिल पाएगा जो बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, जो बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे। तो यदि आप बहुत अच्छे से अगर हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से अगर आप कोशिशें करते हैं, अच्छे से हार्ड वर्क करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आप सभी के लिए वो सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा। तो आप सभी किसानों का इंतजार खत्म। धान के अंतर के राशि महतारी वंदन योजना आप सभी के लिए 26 अगस्त सबसे बड़ी घोषणा निकल कर आ रहे हैं, और धान बोनस का 34 किस्त मिल पाएगा, और किसानों का 2 लाख रुपये तक का बैंकों का कर्जा माफ हो पाएगा। और ये भी कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये भी आप सभी के लिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल पाएगा। सो थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी वादों को, किसी भी मैनिफेस्टो को, किसी भी घोषणा पत्रों को फुलफिल करने में, लेकिन आप सभी से किया हुआ हर एक वादा, आप सभी से किया हुआ हर एक मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं अवश्य रूप से जो है पूरे हो पाएंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक